हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यूसुफ भाई? ठीक ठाक सब भाई? मैं अभी उस बंदे से मिल के आ रहा हूँ जो मेरा, यूँ समझे कि मैं उसका ट्रेनी हूँ। वो ही मुझे अपना लाइसेंस इशू करके दे रहा है जो मैन पावर सप्लाई वाला है। उसमें अभी टाइम लगेगा, लेकिन उसने मुझे कहा था आप काम करना शुरू कर दो, मैं आपके साथ चलूँगा ना, जिस तरह भी आगे हेल्प ज़रूरत होगी। तो मैंने उसको आपकी सारे सूरत हाल बताई। देखो बेटो, बात यह है, यहाँ पे हर बंदा पैसा कमाने के पीछे है, सही है? फ्री में कोई भी काम नहीं करता। ये बंदा जो मैन पावर सप्लाई करता है, ठीक है, इनको कहाँ से बचत होती है? इनको बंदों से बचत नहीं होती। बहुत कम हुआ कि मतलब जिनको वो लोग वीज़ा लगवा के दे रहे हैं उनसे इन्होंने कमीशन ले लिया, बहुत अच्छा खासा कमीशन ले लिया, वरना बहुत कम ही होता है। और जिनको बंदे ये दे रहे हैं आगे कंपनी को, सही है, जो आपको वीज़ा देगी, वो भी कोई ख़ास कमीशन नहीं देती। कमीशन इनको कहाँ से बचता है? वीज़े के प्रोसेस से। आपके लिए वीज़ा निकलवाया, उसमें 150-200 दिरहम रख लिए, सही है। आपके लिए टिकट कराई, उसमें 150-200 दिरहम कर लिए। आपके लिए रूम बनाया, उसमें 50-60 दिरहम बच गए। फिर कहीं जाके इनको, जब बंदा इनका सेलेक्ट हो जाता है, उनको वीज़े मिल जाते हैं, कामें मिल जाते हैं, फिर जाके इनको वहाँ से कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है, वो भी बहुत कम मिलता है, ठीक है। उससे ज़्यादा इनका खर्चा हो चुका होता है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ कितनी गर्मी है। इस गर्मी में कंपनियों के पास जाना, अपने खर्चे पे जाना, फ़ोन मिलाना, कॉल करना, उनको डॉक्यूमेंट्स भेजना, रिसीव करना, इन सब चीज़ों के पीछे, सही है, तो उनका अच्छा खासा एनर्जी और अच्छा खासा खर्च होता है। और इसके अलावा उनको यहाँ लाइसेंस के लिए फ़ीस भी दी हुई होती है। जैसे मैंने अभी 6,000 दिरहम भरी है, ठीक है। इसके अलावा इनके पास अमला भी होता है, इनके पास ऑफिस भी होता है, सही है। तो इन सब का एक्सपेंसेस भी होते हैं जो उनको निकालने होते हैं। तो वो बंदा बोल रहा है, देखो रिहायश वगैरह तो मैंने जैसे आपको बोला मैं करके दे दूँगा, ठीक है। उनको मैंने बोला किस तरह करूँगा, वो लोग समझ गए, हाँ ठीक है मैं कर लूँगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और कसम से बात बोल रहा हूँ, उसमें कुछ बचत भी नहीं है, सही है। आप खुद आप यहाँ के देखोगे, ये तो 1 महीने का रेंट है ना, अगले महीने जब गुजरेगा आपको पता चलेगा कि कितना रेंट है और क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो इसमें कुछ बचत नहीं है, ये सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस हासिल कर रहा हूँ। आप चाहते हो कि 1 महीने के अंदर अंदर उनकी जॉब लग जाए, वो आते ही काम पर लग जाएँ, आते ही उनके इंटरव्यूज़ होने शुरू हो जाएँ। तो इसके लिए फिर आपको उसी बंदे के थ्रू ही वीज़ा लगवाना पड़ेगा, सही है। अगर आप अपना वीज़ा लेके आते हो, बंदा काम करेगा, मैं भी काम करूँगा, वो भी करेगा, ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, लेकिन तरजीहन वो उनको पहले बंदे अपने लगाएंगे जिनके उन्होंने पैसे लिए होते हैं, जिनको उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्पॉन्सर पर वीज़ा लिया होता है। क्योंकि उनको पता है कि हमने इनको बोला है 3 महीने के लिए आ जाओ या 1 महीने के लिए आ जाओ और स्पॉन्सर किया है, और अब बंदे का वीज़ा जॉब नहीं लग रही और वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तो उसका जुर्माना किस कौन भरेगा? यही स्पॉन्सर भरेगा ना। तो इसलिए वो लोग चाहेंगे कि सबसे पहले जो जिनको इन्होंने खुद बुलाया है वही बंदे ही सबसे पहले सेलेक्ट हों और वही पहले सबसे पहले खपे। बाकी जो दूसरे वर्ष हैं जिनसे उनको कुछ फ़ायदा वायदा नहीं है, बस ऐसे ही तेरे मेरे खातिर कर रहा है, तो वो उनके लिए सेकेंड तरजीह होती है। पहली तरजीह उनके लिए प्योरिटी, फर्स्ट प्योरिटी वो होती है जो उन्होंने खुद बंदे मंगाए होते हैं। तो अगर आपने वीज़ा प्रोसेस में डलवा लिया है किसी एजेंसी के थ्रू तो अच्छी बात है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं लगवाया तो ये भी सोच लो कि इस तरह भी हो सकता है कि वीज़ा भी हम सप्लाई करें, टिकट भी हम दें और अकोमोडेशन भी हम दें, फिर आगे आपका जो प्रोसेस होगा वो पहली तरजीह यही होगी कि हम पहले पहले आपका काम करें, क्योंकि हमने आपसे पैसा लिया हुआ है और हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपका दिन आगे चढ़ गए, दिन ऊपर चढ़ गए, तो उसका जुर्माना हमें ही लगेगा, इसलिए हमें अपने लिए भी जल्दी करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ गए मेरे भाई। बात यह है कि आप, मैं चाहता हूँ आप मेरे पे ट्रस्ट करें, आप चाहते हैं मैं आप पे ट्रस्ट करूँ, तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। वो किसी ने कहा था, अभी मुझे इसी ने कहा है बल्कि, कि जिसने रिस्क नहीं लिया वो कुछ नहीं कर सकता। तो रिस्क सबसे पहली बात है, रिस्क तो आपको लेना पड़ता है। तो अगर रिस्क लेने की किसी में ताकत नहीं है तो वो आगे फिर काम नहीं कर सकता। गलत या सही बात की बात है, लेकिन सबसे पहले रिस्क लेना होता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।